भाई साहब कोरोना मेरी वजह से थोड़ी आया इधर भारत में। ये माइक वाले भाई साहब, हेलो हेलो भाई साहब, इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाओ, थोड़ा बढ़िया कर दो यार। भाई साहब मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं हमारे चेयरमैन साहब को, सामने विराजमान है, कांग्रेस के पार्षदों को और बीजेपी के पार्षदों को सबको प्रणाम। इधर से अपने विधायक मोदी जी को भी बहुत बहुत प्रणाम, इधर माताएं बहनें बैठी इनको प्रणाम, और यहाँ की प्यारी प्यारी जनता जो आगे से लेकर के पीछे तक बैठी हुई है सबको दोनों हाथ उठा करके प्रणाम। थोड़ी आवाज बढ़ा दो ना भाई साहब थोड़ी। हाँ बस बस बस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो भाई साहब, योगेंद्र जी देश के बहुत बड़े कवि जिन्होंने आज की महफिल सजाई, बहुत बढ़िया भाई साहब, प्रणाम करता हूँ उनको। देश के बड़े बड़े कवि बुद्धि प्रकाश जी, दादी दादा हरिओम जी पंवार, जिनको सुन सुन करके हम कविता लिखना सीखे हैं, और काफी बड़े लोग यहाँ पर, कैलाश जी मंडेला आपके अपने सब यहाँ पर बैठे हैं। और भाई साहब मैं 2 मिनट का समय लूंगा, मेरे क्या है 10-10 रुपए लेने मेरे को लोगों से, मैं नाम बोल देता हूँ, 4-5 नाम है, गरीब ब्राह्मण की कमाई हो जाएगी। रघुनंदन जी सोनी को अपन ने प्रणाम कर ही लिया, ये राजेश जी सोलंकी इनको बहुत बहुत प्रणाम। भाई साहब आप 20 रुपए देंगे? हाँ हाँ वो करना पड़ता है भाई साहब, अपन ब्राह्मण आदमी दिमाग में खाए को लोड लेवे। ये परमेश्वर जी कुमावत बहुत बढ़िया मंच संचालन कर रहे थे, और ये यहाँ पर क्या है कि गरीबों की खिलाड़ियों की बहुत सेवा करते हैं। ये सदीप पठान जी हैं, योगेश जी पारिक हैं, भगवती जी शर्मा हैं, अशोक जी छीपा हैं, सुमित जी पारिक है, मेरे सामने बैठे हैं भाई साहब, 50 का है आपका योगेंद्र जी, और कांग्रेस बीजेपी के सारे पार्षद हो गए। भाई साहब मेरे को इधर कवि के रूप में खड़ा कर दिया, पहला कवि आपको तो पता ही होगा, इनको कवि सम्मेलन की बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है। अब इनको नींव के लिए चाहिए मोटा पत्थर, इन्होंने देखा रे मंच पे के ये फसला इधर इसको। तुम्हारी कसम भाई साहब मैं काफी देर से पुलिस को देख रहा हूं, भाई साहब पुलिस वाले भाई साहब क्या गजब की व्यवस्था में लगे हैं भाई साहब। ये देखो इधर मेरे को यही संपट नहीं पड़ रहा इस देश में कि जिसको बैठना चाहिए वो तो खड़े, जिनको खड़ा होना चाहिए वो बैठे। तुम्हारी कसम भाई साहब इधर की पुलिस बहुत बढ़िया, लेकिन भाई साहब एक बात माननी पड़ेगी अपन को माननी पड़ेगी कि ऐसे पुलिस वालों की वजह से जो अपने देश में फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, इनकी वजह से अपनी देश की व्यवस्थाएं बहुत शानदार चलती हैं, और बढ़िया बढ़िया कवि सम्मेलन ऐसे ही होते हैं। और फिर शाहपुरा की पुलिस भाई साहब इतनी बढ़िया कि कुछ कहना ही नहीं, जो दे चुपचाप रख लेती है, किसी को कुछ कहने का काम ही नहीं है भाई साहब, तुम्हारी कसम बहुत बढ़िया। मैं 52 आदमी भाई साहब 5 मिनट आपके बीच में हूँ, दिमाग पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेते अपन। मेरा बहुत ऊंचा खानदान भाई साहब, मेरे दादाजी तो इस देश में बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त रहे। देवी का नाम बताऊंगे चेयरमैन साहब? आदरणीय सपना चौधरी। ओम गंगणपतये नमो नमः। मेरी कविता समझ में आए चाहे नहीं आए, पंक्ति के अंत में ताली वाली बजाते रहना, वरना ब्राह्मण का बच्चा हूँ शाप दे करके निकल जाऊंगा, अगले जन्म में घर घर जा करके बजाओगे स्वाहा। तुम्हारी कसम भाई साहब ये तो खे रहे हैं जलवा। अरे बाबी जी जलवा वलवा कुछ नहीं है, मैं तो मेरी लुगाई से परेशान आदमी, मेरी सासू से परेशान आदमी, ये खे रहे हैं जलवा। ये सीटी होगी इसकी, थोड़ी सी कम कर दो भाई साहब, सीटी मार रहे। हाँ हाँ सही कह रहा हूँ मैं, आपकी ही बहन मेरे घर पे दिमाग खराब करके रख देती है भाई साहब, वो मेरी सासू मेरी पत्नी जबो जबी। अरे मेरी मम्मी का फोन आ गया पीर में चलो, मेरे पापा का फोन आ गया पीर में चलो, फिर 15 दिनों और मेरे काका जी का फोन आ गया पीर में चलो, और भाई साहब उसके पीर में यानी कि मेरे ससुराल में जाते ही मेरी सास जवाई जी, फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक ही एक शर्ट एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आ जाते हो, मेरा दिमाग खराब भाई साहब। पर करूं तो क्या, पत्नी की मम्मी मेरी सास, दूसरी बार जाना हुआ भाई साहब मेरा ससुराल, फिर चेयरमैन साहब जाते हैं मेरा दिमाग खराब। मेरी सास हो जवाई जी तुम्हारी तो इज्जत नहीं है, हमारी तो इज्जत का ध्यान रखो, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आ जाते हो और एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आ जाते हो, हमारी तो गांव में इज्जत है, अब तो गांव वाले भी बातें करने लग गए। भाई साहब कुछ नहीं कहा मैंने, वापस आ गया। तीसरी बार मेरा ससुराल जाने का नंबर आया, और इस बार मेरे अंदर का राजस्थान जागा। जाते ही मेरी सास ने कहा कि जमाई जी, मैंने कहा चुप रहे,
बार बार में जवाई जी मैंने कहा मैं ही तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो, तुम्हारे पास भी तो तीन तीन छोरियां हैं, बार बार एक कोई क्यों बेच देते हो। भाई साहब कुछ भी नहीं है ये, मैं मेरी परेशानी बता रहा हूँ दीदी, मैं आपको सही खे रहा हूँ, मैं सही खेता हूँ बामन आदमी बिल्कुल। मैं क्या मेरे खानदान में कोई भी भूख से नहीं मरा, सबके सब मैं कुछ भी नहीं भाई साहब, मैं मेरी पत्नी से इतना परेशान कोरोना में, मैं रात दिन मेरी पत्नी वही दिखे मेरे को, रोज देखू रोज पत्नी वही। एक दिन मेरा टोटल दिमाग खराब, मैंने जो वो सब्जी खाना वाना बना के लाई, सब्जी बना के लाई, मैंने कहा रही तनु की मम्मी आज कैसी सब्जी बना दी तूने, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा। तो भाई साहब वो ठेरी पक्की, उसने फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, ये महात्मा जी आगे इनको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद मिले बच्चे को, विराज जाए साहब। तो मैं क्या कहूं आपको, मैंने मेरी पत्नी को कहा, मैंने कहा तनु की मम्मी तूने सब्जी बिल्कुल भी ठीक नहीं बनाई, मेरे को स्वाद नहीं आ रहा। अगली का दिमाग खिसक गया, उसने फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, और वहां कोरोना सेंटर में फोन करके बोली का हेलो, कहा कि मेरे पति को सब्जी में स्वाद नहीं आ रहा, तुम्हारी कसम 2 घंटे में टीम मेरे घर के सामने, मेरा RT-PCR टेस्ट करवा के ले गई कोरोना सेंटर। पर मैं भी पक्का, वहां जाते ही डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछा कि पिछले 3 दिनों में आपके संपर्क में कौन कौन आए, मैंने कहा मेरी सासू, मेरा ससरा, मेरा सारा, उनके छोटे छोटे बच्चे पड़े रहे 15 दिन तक कोरोना सेंटर में। ये तो कुछ भी नहीं भाई साहब, एक दिन मेरा बहुत भयंकर सरक गया खोपड़ा, मैंने कहा रे सास की फाइल निपटाओ चेयरमैन साहब, मैं निकल लिया मेरे ससुराल में, उस दिन मेरा टोटल दिमाग खराब। अच्छा। मैं निकला ससुराल में, जाते ही दीदी मैंने मेरी सास को कहा, तो मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। अच्छा। मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद है। और सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है। बजानी हो तो साले एक बार ऊपर हाथ करके बजाओ, सारे बजाओ, मजा आ रहा हो तो। ये दोनों कुछ भी नहीं भाई साहब, मैं मेरे छोरे से परेशान बामन आदमी, मेरा छोरा मेरे पास आ जाए दीदी, एक दिन मेरा छोरा मेरे पास आकर के बोला चेयरमैन साहब कब पापा जी मेरे को शाबाशी दो, मैंने कहा चोटे किस बात की शाबाशी, मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती, काम धाम तो मैंने कहा कुछ करता नहीं है, पढ़ाई तेरे से होती नहीं है, और एक बाबूजी मैंने बहुत तगड़ा काम करा है मेरे को शाबाशी दो, मैंने कहा क्या करा रही चोटे, कब पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 ID बना रखी है, मैंने कहा रे इसमें कौन सी बड़ी बात है, और मैंने कहा तो अपने बाप को क्यों बता रहा है, भूल गया अपने बाप दादाओं के संस्कार, ऐसे बोल करके भाई साहब मैंने उसको 2-5 टिका दी, और वो रोने लग गया। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा रे बाप से फालतू बातें मत किया कर, कहा आपको नहीं बताऊं तो बाबूजी किसको बताऊं, मैंने कहा क्यों बता रहा है, कब बताना पड़ रहा है, जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पड़ रहे वो मैं हूं। ये तो कुछ भी नहीं भाई साहब, एक दिन क्या है आजकल तो टीवी चैनल के हाल तो आपको पता है, व्हाट्सएप फेसबुक के हाल आपको पता है, टीवी चैनलों पे भाई साहब रात को 11-12 बजे के बाद में ऐसे ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं, छोरियां नाचती आधे आधे कपड़ों में, ऐसे संस्कार हो गए भाई साहब अपने देश में, पता नहीं नई पीढ़ी क्या सीखेगी। एक दिन गजब हो गया भाई साहब, मेरी पत्नी गई पियर में, और मैं इधर टीवी देख रहा, रात के बज रहे 12:30, मेरा छोरा इधर सो रहा और टीवी चल रही, वो आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाच रही, भाई साहब बताओ टीवी चैनल के संस्कार, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना। अच्छा। टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना, राजू तो सो जा बेटे ये गरीब लड़की है,
ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। सब तालियां बजा करके एक बार मुझे बताओ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है केवल 5 मिनट आप लोगों के बीच में। ये तो कुछ भी नहीं भाई साहब, चीनी पाकिस्तान चीन पाकिस्तान चीन जबरदस्ती का है। लॉर्ड चेयरमैन साहब अपने फोकट का देश में क्या माथा पोड़ी, सही बता रहा हूँ दीदी, सही बता रहा हूँ बुद्धि भैया, जबरदस्ती का क्या है पाकिस्तान क्या है चीन, भारत वालों के सामने कुछ है क्या? पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट है ना, उत्ते के तो शाहपुरा के पार्षद अपने बच्चों को डायपर पहना देते हैं। ये पाकिस्तान, चीन क्या है भाई साहब, चीन में देखो आप क्या लड़ेंगे वो अपन से, क्या औकात है चीन की, क्या है चीन बताओ आप। चीन, चीन में जो जवान आदमी होता है ना 25 साल का भाई साहब, उसकी लंबाई देखो आप 4.5 फुट, कितना सा चीन है उनकी, उनकी जो 25 साल का आदमी होता है लंबाई 4.5 फुट, और उनकी आंखें देखो, अपने घर में जो नया नया बच्चा पैदा होता है ना उसके जैसी आंख, इतनी सी आंख। क्या लड़ेंगे अपन से यार, भारत वालों से, भारतीयों से कोई लड़ सकता है क्या? अगर चीन को निपटा दूं और कहीं ना कहीं 4 पंक्तियों में वो बात कह जाऊं जो आपके मन में जाकर के चुभे, दस्तक दे, फिर यहां से वहां तक पूरा पांडाल तालियां बजा करके बताना कि पंडित देवेंद्र वेष्टव शाहपुरा की धरती पर तूने क्या कमाल की बात कह दी, तब निवेदन करता हूं। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन, यहां से वहां तक तालियां मांगता हूं अंत में सुनिएगा। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो, और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो, और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। वाह 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 वाह, कमाल हो गया भाई साहब। मैं जैसे देवेंद्र वैष्णव को तालियों के साथ में सुना जाता है, वैसे मस्ती के साथ में तालियां बजाना यार भाई साहब, तालियों के साथ में सुनना एक आध पेरोडी। मैं नेता नेता के ऊपर कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि नेता क्या है कि बेचारा एक ऐसा प्राणी होता है जिसकी क्या है कि मतलब पब्लिक इज्जत ही नहीं समझती है, और वो आता भी 5 साल में एक बार है चुनाव जीतने के बाद। नेता जब 5 साल में फिर दोबारा आएगा, आते ही वो यार दादा इस बार भी इधर इधर, मैं इधर के पार्षदों की इधर के नेताओं की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा भाई साहब। मैं चेयरमैन साहब कसम से खे रहा हूं आपको, मैं इधर की नगर पालिका की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो उधर हमारे अंता बारा की तरफ की। नेता की स्टाइल ने ऊकी फर्जी स्माइल ने, अच्छा तालियां बजाओ यार मजा आया हो तो, केवल 5 मिनट हूं आपके बीच में। नेता की स्टाइल ने ऊकी फर्जी स्माइल ने, और वोटर कर दिए फेल, वोटर कर दिए फेल न नेता, सब खा जावे गो। 5 साल के पहले पाचो कोने आव गो, 5 साल के पहले पाचो कोने आव गो, बड़े बड़े टेंडर लगवावे लाखों रुपया खावे। अच्छा। चेयरमैन साहब को प्रणाम, नहीं मैं आपके लिए नहीं खे रहा, मैं प्रणाम कर रहा हूं भाई साहब। बड़े बड़े टेंडर लगवावे लाखों रुपया खावे, जितना भी तू रोड बनावे एक काम ना आवे, भवन बनावे लंबा चौड़ा बानी सू चुनवावे, उद्घाटन हो बाक फलिया बिल्डिंग ही गर जावे। चेयरमैन साहब जनता के लगायो तेल, जनता के लगायो तेल नेता, सब खा जावे गो। 5 साल के फलिया पाचो कोने आवे गो। भाई साहब था ना, आपको हर होती समझ में आ रही है क्या? आएगी से कौन से इंग्लैंड में बैठे हो। एक और पेरोडी पढ़ देता हूँ, वो एक नेता जी जैसे पटवारी की होती है ना भाई साहब पटवारण, वैसे नेता के होती है नेतण, मास्टर के मास्टरानी, नेता के नेतण। अब वो नेतण जी, वो नेता जी पिछले 20 साल से चुनाव नहीं जीत रहे भाभी जी, अब वो क्या नेतन जी के बड़े बड़े सपने, अगर मान लो का आपने नेताजी मारा पति देव चुनाव जीत जाओगा तो आपने भी जयपुर में मकान बनाऊंगा, एक आध फॉर्चुनर ले लेगा, एक आध ओडी खरीद लेगा। तो 20 साल में वो नेताजी चुनाव जीत्या,
पर मोदी राज में नेताजी को खाबा को सतू नो ना रियो तो नेतर जी नेता की नेतन राजी। ये सपना चौधरी की टोन मेरे से इस वजह से निकलती है भाई साहब क्योंकि मेरे दादाजी सपना चौधरी के भक्त। नेता नेता की नेतन राजी टन बजाओ बजाओ कीर्तन कर लो। नेता की नेतन राजी बोली मार लो थे तो बाजी ते पहली बार जीत्या छो लूटो नजी राजी राजी ओते तो पल 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 योजना बाद्यो खाओ जी देश न लूटो भाड़ मजा बाद्यो। नेता की नेतन राजी। देखिए मित्रों अब अपन अपना कीर्तन यही समाप्त करते हैं। वैसे आपका छोटा भाई जब भी पूरे देश की यात्राएं करता है तो कम से कम एक घंटे का लाफ्टर देता है लेकिन चार पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लूंगा क्योंकि इतना क्योंकि हरिओम जी दादा तक अपन को पहुंचना है। यही काम मैं एक घंटे तक भी कर सकता हूँ। आदरणीय दादा योगेंद्र जी शर्मा द्वारा मुझे कहा गया कि देवेंद्र बेटा अपन तो छोटे कवि हैं आराम से पढ़ लेंगे दादा को सुनेंगे तो कम से कम मुझे 15-20 मिनट दिए गए थे दादा कर दिया मैंने मेरा काम। सुनिए चार पंक्तियां उस व्यक्ति को जवाब देकर के इस मंच से जाना चाहता हूं जो ये कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अगर मैं कहीं ना कहीं सटीक जवाब दे दूं और सही कह दूं साहित्य की दृष्टि से तो आदरणीय हरिओम जी दादा मंच पर बुद्धि प्रकाश जी दादी तमाम बड़े कवि और देश के बड़े संचालक अतुल जी ज्वाला मंच पर हैं और शाहपुरा की एक ऐसी जनता मेरे सामने कविता प्रेमी जनता बैठी हुई है। इन चार पंक्तियों में मुझे विदाई की वो तालियां देना और बताना तालियां बजाकर वाह देवेंद्र वैष्णव सही कहा। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा। चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा। चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। हर भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का। दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक अश्वत्थामा हो तो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और चार बाप वाले के तो वश में नहीं है बात। भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की